हेलो गाइस, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? टुडे वी सी चैप्टर 16 ऑफ सिक्स्थ क्लास हिंदी, रामेश्वरम। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। रामेश्वर के बारे में हम जानेंगे। पहले हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, सही जोड़ी बनाइए। हमें यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है, ठीक है। फर्स्ट में दिया गया है समुद्र राज का करेक्ट आंसर आ जाएगा वरुण, ठीक है। समुद्र राज का करेक्ट आंसर आ जाएगा वरुण। चरक पादुका, चरक पादुका का जाएगा रामचंद्र जी, ठीक है। सॉरी, चरण पादुका का जाएगा रामचंद्र जी। कैलाशवासी, कैलाशवासी का आ जाएगा शिव। कैलाशवासी का करेक्ट आंसर आ जाएगा शिव। मदुरा के राजा, मदुरा के राजा का आ जाएगा विश्वनाथ नायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कम दिया गया है। दिए गए विकल्प में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिए गए विकल्प में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट में दिया गया है सबको अपने जीवन से डैश डैश होता है, तो राइट आंसर इसका आ जाएगा मोह। तो जो यहाँ पे ब्लैंक जगह दिख रही है वहाँ पे हमें राइट करना है मोह फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखते हैं, पाम वन रामेश्वर और धनुष्यकोटि एक डैश डैश के तीन विधि है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा त्रिकोण, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा त्रिकोण। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीलंका के राजा डेडेश में रामेश्वरम में मंदिर बनवाया। श्रीलंका के राजा डेडेश में रामेश्वर मंदिर बनवाया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका वरदराज, ठीक है, वरदराज आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रामेश्वर में मंदिर के अंदर डेडेश तीर है, डेडेश तीर है, तो यहाँ पर राइट आंसर आया इसका 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर वन वर्ड में हमें राइट करना रहेगा, ठीक है। क नंबर पे दिया गया है, रामेश्वरम क्यों प्रसिद्ध है, रामेश्वरम क्यों प्रसिद्ध है, इसका आंसर आ जाएगा रामेश्वर चार धर्मों में से एक है इसलिए प्रसिद्ध है। रामेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका सीधा आंसर ये है कि चार धर्मों में से सॉरी चार धामों में से एक है इसलिए प्रसिद्ध है, चार धामों में से एक है इसलिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैलाश जाकर शिवजी को लाने का दायित्व किसको सौंपा गया था, कैलाश जाकर शिवजी को लाने का दायित्व किसको सौंपा गया था, इसका आंसर आ जाएगा कैलाश जाकर शिवजी को लाने का दायित्व हनुमान जी को सौंपा गया था, ठीक है। कैलाश जाकर शिवजी को लाने का दायित्व हनुमान जी को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंधमादन पर्वत किसे कहते हैं, गंधमादन पर्वत किसे कहते हैं, इसका आंसर आ जाएगा जिस चट्टान से हनुमान जी को लंका की भूमि नजर आई थी, जिस चट्टान से हनुमान जी को लंका की भूमि नजर आई थी उसे गंधमादन पर्वत कहते हैं, उसी पर्वत को गंधमादन पर्वत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री राम के कुपित होने पर समुद्र राज ने क्या किया, श्री राम जी के कुपित होने पर समुद्र राज ने क्या किया, इसका आंसर आ जाएगा श्री राम के कुपित होने पर समुद्र राज ने क्षमा याचना की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका नाम विश्वनाथ पड़ा, इसका आंसर आ जाएगा रामेश्वरम के उत्तर में हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग स्थापित है, हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग स्थापित है, इसका नाम विश्वनाथ पड़ा है इसलिए उसका नाम विश्वनाथ पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 3 से 5 वाक्य में दीजिए। हमें यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर 3 से 5 वाक्य में राइट करना है, ठीक है।
पामवन के पुल की क्या विशेषता है? इसका आंसर आ जाएगा, पामवन का पुल लोहे का बना हुआ है, ठीक है, वह पुल लोहे का बना है और समुद्र पर बांधा गया है, और समुद्र पर बांधा गया है। यह रेल पुल स्थिर नहीं है, यह रेल पुल स्थिर नहीं है। जब जहाज़ों को निकलना होता है तब वह पुल उठा दिया जाता है जिससे स्टीमर एक ओर से दूसरी ओर चली जाए, जिससे स्टीमर एक ओर से दूसरी ओर चली जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ख नंबर पे, उत्सर्ग में तो आनंद है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर आ जाएगा इसका, इस कथन का आशय यह है कि त्याग में एक संतुष्टि का भाव छिपा होता है, अपना अस्तित्व समाप्त कर किसी और के अस्तित्व में समाहित हो जाना एक आत्मिक खुशी प्रदान करता है और बलिदान को महत्व प्रदान करता है, और बलिदान को महत्व प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घर नंबर पे, रामेश्वरम का दर्शन करना लाभदायक क्यों माना गया है? रामेश्वरम का दर्शन करना लाभदायक क्यों माना गया है? इसका आंसर आ जाएगा, रामेश्वर चार धामों में से एक है, ठीक है, चार धामों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम का दर्शन के बिना एक भारतीय अपने जीवन की सिद्धि का लाभ नहीं ले पाता है, एक भारतीय अपने जीवन की सिद्धि का लाभ नहीं ले पाता है, इसलिए रामेश्वरम का दर्शन करना लाभदायक माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवनगर से रामेश्वर नाम पढ़ने की अंतरता स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा, रावण वध के बाद रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या दोष के निवारण के लिए श्री राम ने देवनगर में शिवलिंग की स्थापना की और वहाँ पूजा की, शिवलिंग की स्थापना की और वहाँ पूजा की। राम द्वारा ईश्वर की पूजा किए जाने के कारण इस स्थान का नाम रामेश्वर पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धनुष कोटि का क्या महत्व है? इसका आंसर आ जाएगा, धनुष कोटि में पत राम नाम नाम नामक स्थान पर राम ने समुद्र राज वरुण से सागर पार करने हेतु मार्ग मांगा था, सागर पार करने हेतु मार्ग मांगा था। वरुण द्वारा अनुमति मिलने पर कुपित होकर राम ने धनुष पर दाण सजा लिया था। तब वरुण ने प्रकट होकर क्षमा याचना की ओर मार्ग दिया, क्षमा याचना की ओर मार्ग